थैंक गॉड से भी मामा डैड चले गए और मामी जी पापा जी भी चले गए। अब हम आराम से गबरू को यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं अकेले और उसको जल्द से जल्द यहाँ से भेज सकते हैं। और हम लोग ये सब इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम लोग दोनों अकेले हैं। क्योंकि हम दोनों अकेले हैं हम और भी बहुत कुछ करते हैं। और ट्रैफिक के नियमों का तो पालन करना सीखो। चाचू ट्रैफिक के नियमों का इससे क्या लेना देना है? है पुत्र भाई ट्रैफिक में क्या सिखाते हैं? सड़क पार करने से पहले बाएं देखो, फिर दाएं देखो, आगे देखो, पीछे देखो, फिर जब कोई गड्डी ना आ रही हो तो सड़क पार करो। ऐसे ही प्यार में भी आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो और इतना वक्त बर्बाद करो कि किसी ने ना भी आना तो भी आ जाए। वेल मैं देखता हूँ। चलिए इस बार तू खोल। मैं खोलता हूँ। अभी दरवाजा खोलेगा ना सामने वाले ने कहना है जाओ अपने मालक को बुलाओ। चाचू सस्रियाकाल सभी पाजी। गबरू पाजी सस्रियाकाल कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। माफी जी गलती गलती होगी जी माफ कर दूँ कि अब जब अंदर आए गए हैं आपको क्या गलती है क्या माफी करिए। नहीं संग पाजी दे ने ना आपके लिए 5 किलो पंजीरी भेजी थी। पंजीरी मुझको बहुत पसंद आई मैं ऐसा कभी ले जाता हूँ। तो मैं खा गया जी। खा गए? हाँ जी। अच्छा जी मतलब सारी खा गए? हाँ जी सारी। 5 किलो पंजीरी आप खा गए अकेले? हाँ जी सफर बहुत लंबा था ना साथ में मिट्टी और अचार भी भेजा था वो भी खा गया। यानी जब आप 5 किलो पंजीरी खा सकते तो मट्ठी और अचार तो बहुत छोटी चीज़ है ना। चलिए आइए गबरू भाजी इसको आप जो है अपना ही घर समझिए। सुनाइए सिल्लीजी के बावजूद शहर में आए हैं। अच्छा पहले तो मैं बहुत डर गया था फिर मैंने सोचा शहर में जरूर आए होंगे लेकिन अपनी बेटी के घर थोड़ी ना रहेंगे। हाँ क्यों रहेंगे भाई? क्या है ना सन्नी पाजी उनकी देखते ही ना मेरी हमें समझ गए। चलिए चलिए हाय गबरू जी। मेरा भी हाय जी सिमी जी। बहुत अच्छा लगा तुम आए हैं ना। लेकिन बहुत बुरा लग रहा है कि बहुत जल्दी चले जाएंगे यहाँ से। कब जा रहे हैं जी आप? कब जा रहे हैं जी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं है सन्नी पाजी। मैं तो शहर में हीरो बनके गदर मचाने आया हूँ। शहर का तो पता नहीं जी लेकिन इस घर में गदर जरूर मच जाएगा। ओए गबरू लो आ गया गदर। पहली पहना जी बल्लू पाजी मेरे को तेरी बात नहीं सुनी तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखेगी? पाजी मुझे नहीं पता था कि शहरों के घरों में हाथों के बनाने का रिवाज है इसलिए मैं पैरों के संग चला आया ना। ये दूध में रखा है ये बात क्या है? तू निकल रही है आप बेकार ही गबरू पे गुस्सा कर रहे हैं। बेकार गुस्सा कर रहे हो मुझे पता नहीं है इसकी वजह से तेरे पापा जी की नाक कटते कटते बची थी बरादरी में। चाचू गबरू की वजह से हमारी शादी भी हुई। हाँ चाचू और गबरू ने ये सब हमारे कहने पे किया था। कह रहे हो ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो भगवान आपको उठा ले। खड़े मतलब को प्यार का सिर्फ एक ही मतलब होता है और वो होता है एक दूसरे के साथ रहना। ये पता तो लगे कि कम्मू जी मेरे साथ। कम्मू जी कम्मू जी सनी पाजी याद है आपको कम्मू जी? बल्लू पाजी आपको मालूम है क्या हुआ था? गबरू तू सच नहीं कहेगा ना? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं जी पर जब मुझे पता चला कम्मू जी नहीं है तो हाय हाय कम्मू जी नहीं है तो फिर क्या है? पागल है पागल हो गया तू। कम्मू जी के बारे में ऐसी बात करती मुझे तेरे से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या मैं तुझसे बात नहीं करता? तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं सनी पाजी? अच्छा नहीं फोन की घंटी बजी। हाँ